प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक सफर शुरू किया था भौतिक विज्ञान का, और हम इस सफर को जारी रखेंगे और आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इमेजिनेशन का भरपूर उपयोग करते रहिए और हम इस सफर पर बहुत सी नई नई चीजें सीखते रहेंगे, बहुत सी नई नई चीजें क्रिएट करते रहेंगे। और इसी सफर को जारी रखते हुए आज हम कुछ नया सीखेंगे और आज हम सीखेंगे गोलिया दर्पण के विषय में कि किस प्रकार से गोलिया दर्पण बनते हैं और उनसे संबंधित अलग अलग शब्द या टर्म्स क्या क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, तो गोलिया दर्पण समझने से पहले आप बताएं मुझे ये क्या है। आप देख रहे हैं प्लास्टिक की बॉल है, सिंपल। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बॉल या गेंद की आकृति को हम क्या कहते हैं, इसकी आकृति को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोला, गोलाकृति या गोला, या इसको हम कहते हैं सफियर, यही कहते हैं गोला या सफियर। तो ये गोला या सफियर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। बॉल को मैंने यहां पर इस रूप में ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर थ्री डायमेंशनल नहीं दिखाऊंगा, थ्री डायमेंशनल इसलिए नहीं दिखाएंगे हम यहां पर इसको कि जो इसके संबंधित टर्म्स हैं उसको समझने में हमें ज्यादा आसानी रहेगी अगर हम इसको इस तरह से दर्शाएंगे। ये सफियर है, इसको आप यहां पर इमेजिन कीजिए कि हमने इसको इस प्रकार से यहां पर दर्शाया। तो हर गोले का क्या होता है, केंद्र होता है, तो इसका भी होगा। अब केंद्र को हम इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम रख लिया सी। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए कि मैं इस गोले का एक या दो किनारे काट देता हूं। मैंने इस गोले को यहां से कट कर दिया और इस गोले को यहां से कट कर दिया, इस गोले को मैंने काट दिया इस तरह से, इसका एक भाग मैंने काट के निकाल दिया जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ठीक है। अब इस भाग को मैं यहां पर कैसे प्रदर्शित कर सकता हूं, ये भाग मैं पहले यहां पर दर्शाऊंगा, ये भाग, ये है ये वाला भाग, और इस भाग को मैं दर्शाऊंगा यहां पर। ठीक है बच्चों, अब जब किसी भी दर्पण का निर्माण होता है तो दर्पण के निर्माण के लिए हमें एक जो शीशा होता है उसको पॉलिश करना होता है, ठीक है। तो हम ये गोला मान रहे हैं कि एक शीशे का गोला है जो अंदर से खोखला है और इसके हम अलग अलग भागों को पॉलिश करते हैं। तो यदि मैं इस दर्पण के इस भाग को पॉलिश करता हूं, मैंने दर्पण का ये भाग पॉलिश किया, तो परावर्तन कहां से होगा, इसके अंदर को मुड़े हुए भाग से। जैसे कि इसको हम यहां पर दर्शाएं कि ये भाग हमने इस गेंद से काटकर निकाला था, इसका मैं ये उभरा हुआ भाग पॉलिश करता हूं, ये उभरे हुए भाग को मैं पॉलिश कर रहा हूं, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा होगा, इसका अंदर को धसा हुआ भाग। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनते हैं उनको हम कहते हैं अवतल दर्पण, या इंग्लिश में हम इनको कहते हैं कॉनकेव मिरर। केव मींस गुफा, गुफा के जिस पोर्शन जो अंदर को मुड़ी हुई होगी उस पृष्ठ से, उस भाग से, उस हिस्से से, उस पोर्शन से जो परावर्तन होगा, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। दूसरे भाग की तरफ को हम आते हैं, इस भाग का मैंने जो ये अंदर वाला पृष्ठ है उसको पॉलिश किया है। जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये हमने यहां से काट के निकाला था, इसके अंदर वाले पृष्ठ को मैं पॉलिश करता हूं, तो परावर्तन कहां से होगा, इसके बाहर के पृष्ठ से परावर्तन होगा, जैसा कि यहां पर दर्शाया जा रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा
उत्तल दर्पण। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो पॉलिश्ड पृष्ठ हैं वो अलग अलग होते हैं, और उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो भी एक दूसरे से उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें दो टर्म्स पता चल गई, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब क्योंकि ये दोनों दर्पण इस गोले के भाग हैं, तो इन दर्पण की भी एक केंद्र होगा, इन दर्पण की भी एक त्रिज्या होगी, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता केंद्र के बारे में। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या है, जिसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको हम यहां पर कैसे दर्शा सकते हैं, ये मैंने एक दर्पण बनाया है। तो बच्चों किस प्रकार का दर्पण है ये, मैं इसके इस भाग को पॉलिश करता हूं, तब बताएं ये किस प्रकार का दर्पण है। बिल्कुल सही, ये है कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण जैसे कि हमने ऊपर समझा है, ये इस गोले का भाग है, ये अवतल दर्पण, ये दर्पण जो है इस गोले का भाग है। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इसके अंदर होगा, इस पर तो नहीं होगा केंद्र, केंद्र कहां होगा, इस गोले के अंदर। तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इसके अंदर यहां पर होगा, तो उसको हम सेंटर भी कह सकते, सी, तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, या यहां पर मैंने गलत लिखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए यहां पर, CENTRE, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी, ये होगा वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका केंद्र है तो उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात कि हर गोले की केंद्र से लेकर उसकी बाहरी पृष्ठ की सीमा तक जो रेखा होती है, जो दूरी होती है, उसको हम कहते हैं त्रिज्या। इसको हम कहते हैं त्रिज्या। और एक गोले में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। उसी प्रकार अगर इस केंद्र को हम इसके एक बिंदु से मिलाएं, जिसको हम बात करेंगे, ये बिंदु है P, जो कि इस दर्पण के बिल्कुल केंद्र में है, इसको हम आगे समझेंगे, तो C वक्रता केंद्र से लेकर इस ध्रुव तक की जो दूरी होगी, या वक्रता केंद्र से लेकर कोई भी दूरी होगी, ठीक है, इस दर्पण के ऊपर, चाहे यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, इन सबको हम क्या कहेंगे, ये सभी क्या है, वक्रता त्रिज्या। दूसरी टर्म क्या आ गई मेरे पास, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों ये दूसरी बात हमारे पास आ गई कि वक्रता केंद्र से दर्पण के पृष्ठ तक का जो दूरी होगी, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या। इसको मैंने यहां पर, इन दो टर्म्स को मैंने यहां पर अवतल दर्पण में दर्शाया है, ये है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, और इसी को मैं उत्तल दर्पण में भी दर्शा सकता हूं। उत्तल दर्पण में यहां पर बनाता हूं, इसका ये भाग पॉलिश कर देते हैं, इस भाग को हम पॉलिश कर देते हैं, परावर्तन इसके उभरे हुए भाग से होगा, उभरा हुआ उसे, उभरा हुआ उसे उत्तल, तो इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये दर्पण भी इस गोले का भाग है, इस गोले का भी एक केंद्र होगा जिसको हम कहेंगे सी, और सी से लेकर इसके बाहरी पृष्ठ तक की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम दर्शाएंगे आर से, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर हम यहां पर भी दर्शा सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो दो टर्म्स होगी, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब तीसरी टर्म है ध्रुव। अब ये ध्रुव क्या है? ध्रुव है जो हम दर्पण की बात कर रहे हैं, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का जो बिल्कुल केंद्र बिंदु होगा उसको हम इस दर्पण का ध्रुव कहेंगे। अगर अवतल दर्पण है तो ये केंद्र बिंदु हम यहां पर ले सकते हैं, अगर उत्तल दर्पण है तो ये केंद्र बिंदु हम यहां पर ले सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे यहां पर पी या ध्रुव, या इंग्लिश में हम इसको कहेंगे पोल, पी ओ एल ई पोल। तो पोल या ध्रुव क्या है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु ध्रुव कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या है तो इस दर्पण के ये अलग अलग भाग है उनको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं या कह सकते हैं। अगला भाग हमारे पास है, अगला शब्द जो हमारे पास है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस या फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु भी इसको हम कह सकते हैं। अब बच्चों ये फोकस बिंदु क्या है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी, परावर्तित होने के पश्चात वो एक बिंदु से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समानांतर, इस वक्रता त्रिज्या के समानांतर कोई भी जो प्रकाश किरण है वो आने के बाद एक विशेष बिंदु से गुजरती है, जहां पर ये सभी प्रकाश किरणें यदि हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो वास्तव में मिलेंगी वो, और अगर हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो वो मिलती हुई प्रतीत होंगी। इन दोनों बातों को हम विस्तार से अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, और इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल एफ से। इस बिंदु को हम दर्शाएंगे कैपिटल एफ की सहायता से, तो इसको हम कहेंगे फोकस बिंदु। और इस फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी या फोकल लेंथ। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम कहेंगे फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। और एक शब्द हमारे पास रहता है इसमें, वो है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष की हम बात करते हैं, मैं टर्म यहां पर लिख लेता हूं, मुख्य अक्ष, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है कि इसी वक्रता त्रिज्या को अगर हम दोनों सिरों पर अनंत तक बढ़ा दें, वक्रता त्रिज्या को ही हम दोनों ओर अगर अनंत तक बढ़ा दें उसी को हम मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, कुछ टर्म्स हैं जो कि गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब हैं उन प्रतिबिंबों को समझते हुए हम बार बार उपयोग करेंगे। तो बच्चों इन सभी टर्म्स को एक बार ध्यान से देख लें, समझ लें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब के बारे में कि उन प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम कौन कौन से नियम उपयोग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।